के दोनों ही चुनाव में छपरा और पाटलिपुत्रा में क्या समानता है? दोनों जगह लालू परिवार की बेटियां लड़ रही हैं और लालू परिवार अपनी हार को देखते हुए कहीं ना कहीं बेचैनी में गोली और बंदूक की फील माहौल बिहार में बनाने का प्रयास। अब तक बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है और भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर है, किसी भी हाल में फिर से जंगल राज लाने नहीं। उन्होंने अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, जिस कांग्रेस ने अम्बेडकर को चुनाव हराया उसी कांग्रेस से गोद में न बैठे हैं लालू यादव। सरकार में मंत्री नितिन नवीन सिन्हा जुड़ेंगे, बात करेंगे। नितिन नवीन जी, जिस तरीके से आपके एनडीए के प्रत्याशी पाटलिपुत्र के रामकृपाल यादव पर हमला किया गया, इसको देखते हुए अब जाकर राजद के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा के नेताओं के द्वारा जो है रेखा देवी जो कि राजद से विधायक हैं उनके ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ की गई, गालियाँ दी गई, बूथ पर वो गई। आप देखिए, दोनों ही चुनाव में छपरा और पाटलिपुत्र में क्या समानता है? दोनों जगह लालू परिवार की बेटियां लड़ रही हैं और लालू परिवार अपनी हार को देखते हुए कहीं ना कहीं बेचैनी में गोली और बंदूक की फील माहौल बिहार में बनाने का प्रयास कर रहा है, तो ये तो होने नहीं दिया जाएगा। जब तक बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है और भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर है, किसी भी हाल में फिर से जंगल राज लाने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाटलिपुत्रा में भी दबंगई करके बूथ के अंदर घुसने का काम, बूथ में क्यों आप जाएंगे भाई? कोई विधायक सांसद को अलाउ नहीं होता है, नियम नहीं है, बहुत संविधान की दुहाई देने वाले लोग। आज ये बताएं कि संविधान क्यों खतरे पे है? आप लोगों के कारण खतरे पे है जो लोग कानून को ताक पर रखकर पूरे तरह से नियम तोड़कर सड़कों पे काम करते हैं। और कहीं ना कहीं आज पूरे देश में दिख रहा है कि अराजकता के माहौल के प्रचायक हैं लालू परिवार। लगातार दलित विरोधी बताया जा रहा है। विरोधी बताने से क्या चलेगा? जिन्होंने अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, जिस कांग्रेस ने अम्बेडकर को चुनाव हराया उसी कांग्रेस से गोद में न बैठे हैं लालू यादव। बूथ लूटने का आरोप भी लगाया जा रहा था। बूथ लूटने की संस्कृति किनके पास रही है? 2005 के बेले का बिहार किसने बूथ लूटो और बूथ छापो किसके शब्द हैं वो सब कोई बिहार की जनता जानती है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे, कह रहे हैं कि जीत रही है जनता, जीत रहा है इंडिया, आपकी बार 295 पार, जनता का एग्जिट पोल बता रहे। 4 जून को तेजस्वी यादव चारों खाने चित होंगे, भाजपा 400 पार होगी। और ये जो बयानवीर बनते हैं, 12 फरवरी को भी बयानवीर बने थे, क्या हुआ था देखा था लोगों ने, और फिर 92-3 के आंकड़े में आ पाएगी क्या इंडिया अलायंस, इसको भी देखने वाला बात। विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं, बैठक कर रहे हैं लगातार। भैया सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होंगे ही ना भाई, वो सारे भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार अब कहीं ना कहीं पकड़ में आएगा और अब उनको जेल जाने की बारी है। एक शुरुआत हो गई है, केजरीवाल पहुँच चुके हैं अपने जगह पर, अब बाकी लोग उसी रास्ते पर जाएंगे। इनको भेजा जाएगा, अब जो लोग भ्रष्टाचार के दोषी होंगे, जो जितने लोगों ने गरीब के जनता का पैसा ठगा है वो सब लोग जाएंगे अंदर। देखिए, जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे वो बचेंगे नहीं, ऐसे में गरीब जनता का जिन्होंने पैसा ठगा है उनको जेल भेजने का काम करेगी एनडीए सरकार। ऐसे में जिस तरीके से रामकृपाल यादव पर हमला किया गया था उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, वहीं साफ कहते हुए नजर आ रहे थे मंत्री नितिन नवीन की, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार राजद के द्वारा ये सब काम किया जाता है, भाजपा ये सब काम नहीं करती, ऐसे में 400 पार का नारा दे रहे थे, तो वहीं दावा कर रहे थे इस बार 400 पार। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।